किसान भाइयों, कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धान के एक प्रमुख रोग बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB, जिसे जीवाणुपर्ण झुलसा बीमारी भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। अभी जो है धान बुआई करके लगभग एक महीने का समय हो चुका है, तो इसके बाद जो है धान में एक प्रमुख बीमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB का प्रकोप कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लक्षण में सबसे पहले जो है धान के पत्ती में ऊपरी भाग में पीलापन दिखाई देने लगता है, उसके बाद पत्ती के दोनों किनारों पर लहरदार धारी भी दिखाई देने लगता है जो कि हल्के पीले रंग का होता है, और पत्ती के दोनों किनारों में ये पीलापन जो है धीरे धीरे फैलते जाता है और ये बाद में पत्ती के मध्य सिरा में भी फैल जाता है और पूरा पत्ती जो है मटमैले पीले रंग का दिखाई देने लगता है। यह बीमारी जो है बैक्टीरिया के कारण होता है और यह बीमारी जो है पानी में अधिक फैलता है और यदि वातावरण में अधिक नमी है तो यह हवा के माध्यम से भी एक पौधे से दूसरे पौधे में और इस प्रकार एक खेत से दूसरे खेत में भी यह पूरी तरह से फैलते जाता है। तो इसका नियंत्रण का क्या उपाय है, तो इसका नियंत्रण के लिए सबसे पहले यदि खेत में पूरी तरह से पानी भरा है और आपके पास सिंचाई सुविधा है तो सबसे पहले पानी बदल देना चाहिए और खेत में 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश देना चाहिए। इसके अलावा यूरिया खाद को या यूरिया उर्वरक को बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा अगर रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% प्लस टेट्रामाइसिन 10% SP का संयोजन आता है, उसका यूज करना चाहिए। यदि आपके खेत में इसका प्रकोप नहीं है और अगल बगल के खेत में इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है तो आपको प्रिकॉशन के लिए 15 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव कर देना चाहिए। और यदि आपके खेत में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है जो कि बहुत फैल गया है तो आपको 5 ग्राम प्रति 15 लीटर या प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रेयर पंप के हिसाब से इसका छिड़काव करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% प्लस टेट्रामाइसिन 10% SP जो है बाज़ार में कई नामों से उपलब्ध है, जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, क्रिप्टोसाइक्लिन, टैगमाइसिन, केसाइक्लिन, स्ट्रेप्टो प्लस, स्पीडोमाइसिन, प्लांटोसाइक्लिन या किल्टोमाइसिन। और इसके साथ साथ हमें कापर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से देना बहुत ही आवश्यक है। ये जो है मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है, कापर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, जैसे कि ब्लिटॉक्स, धानुकॉप, सुप्रीमो कॉपर, COC50, कोड, क्यूटॉक्स, कापर एस, ब्लू कॉपेक्स, सिग्नोर, बेल्टो, गोजारू, इस टाइप से बहुत से नामों से उपलब्ध है। तो हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% प्लस टेट्रासाइक्लिन 10% SP और कापर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP को मिलाकर देने से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। और अगर आपके खेत में इसका प्रकोप बहुत अधिक बढ़ गया है और इसका कंट्रोल एक बार के स्प्रे करने पर नहीं हो पाया तो आपको 15 से 20 दिन में इसका स्प्रे एक बार और करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि किसान भाई जिस खेत में इस बीमारी का प्रकोप अधिक दिखाई देता है वो धान की रेसिस्टेंट वेराइटी जैसे आशा, महामाया, अभया, बमलेश्वरी या उन्नत सावा मासरी आदि धान के किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि वैज्ञानिक से संपर्क करके उचित सलाह ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।